सिन्हा के बिहारी की मूर्ति प्रकट हुई, वहीं पर रास वृंदावन के अंदर कहते आज भी रास होता है वहां, तो वो रास बिहारी जब जब जरूरत होती है, यही नहीं कि रास केवल 5000 वर्ष पहले हुआ, ये रास सदा से चला रहा है, पहले भी हुआ था। ये केवल स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है, ये प्रकृति और पुरुष का मिलन है। जब प्रकृति और पुरुष एक हो जाते हैं तब प्रलय हो जाती है, विनाश हो जाता है, विध्वंस हो जाता है। लेकिन वही पुरुष और प्रकृति दो रूपों में विभक्त हो जाते हैं तो रचना और प्रेम दोनों की शुरुआत हो जाती है, दोनों का खेल शुरू हो जाता है। तो सब की सब गोपियां आ करके इकट्ठी हो गई मधुवन के अंदर, जहां जिसको वो परमात्मा नजर देता है, हर जगह पर रास हो रहा है, सारी प्रकृति के अंदर रास हो रहा है, सब पेड़ पौधों के अंदर रास हो रहा है, सब पक्षियों के अंदर रास हो रहा है, सब बादल भाग रहे हैं, सूर्य चंद्रमा तक रास कर रहे हैं। लेकिन वो दृष्टि चाहिए तह तक लाने के लिए, रास देखने के लिए। रास बहुत ही ऊंची स्थिति का शब्द है, बहुत ऊंची स्थिति का। रास का आप समझो, रास का अर्थ रस, और रस का अर्थ आनंद, और आनंद का अर्थ वो परम चेतना और उसकी प्राप्ति। तो जितनी भी गोपियां थी उतने ही उस परमात्मा ने, उस चेतना ने शरीर धारण किए, और सब गोपी के साथ एक एक रूप में नजर आने लगा, और सब के साथ खेलने लगा, क्रीड़ा करने लगा। लेकिन बड़ा गहरा खेल, शिव तक गोपी का रूप धर करके रास के अंदर प्रवेश के लिए मांग रहे हैं। कितनी ऊंची शक्ति होगी, कितनी ऊंची स्थिति होगी। सब ब्रह्मांड के देवी देवता सब पुष्प बखेर रहे हैं, अंदर खेल चल रहा है। ये खेल कोई वासना का नहीं था। आप ये वासना की तो स्थिति बहुत पीछे रह गई, बहुत पीछे रह गई। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये वासना कोई बड़ा कार्य है, निषेध है, नहीं होना चाहिए, ये भी शब्द मैं प्रयोग नहीं करूंगा। क्योंकि वहां जो खेल हो रहा था हमने बड़ा नजदीक से अनुभव किया है। उस परम चेतना ने कृपा दृष्टि करके सब कुछ अनुभव कराया है। वहां स्त्री स्त्री नहीं रहती, हो जाता है स्त्री को, शरीर का भान ही नहीं रहता, अपने आप को खो देती है, अपना अस्तित्व ही मिटा देती है। रहती है तो केवल वो आत्मा जो उस परमात्मा को पाने के लिए तड़प रही है, हर स्थिति तक, किसी भी हद तक सब कुछ जो समर्पण कर चुकी है, उसने शेष कुछ भी नहीं बचाया। जिस प्रकार से सुदामा जी ने शेष बचा लिया था, छुपा लिया था, लेकिन जो रास के अंदर गोपियां पहुंची हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया है, सब कुछ उस कन्हैया के अर्पण कर दिया है। जब सब कुछ अर्पण हो जाता है उसके चरणों में, वो जीव अपने आप ही स्थिति से उठने लगता है और शरीर भाव से दूर पहुंचने लगता है। जब शरीर भाव भंग होता है
जो साधु संत महात्मा है वो बिना सुने ही ऊपर से उतार देते हैं, क्या कह रहा छोड़ो, विचार तक नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो उस समय स्थिति में होते हैं, वहां विचार भी नहीं होता। क्या होता है वहां? वहां कुछ भी नहीं होता, निर्विचार स्थिति, केवल ज्ञान में, केवल प्रेम में, तो एकाकार ही रहता है, खुद खुद में ही है, राम होता है, दूसरा वहां कोई भी नहीं रहता। जो नृत्य की स्थिति है, रास की स्थिति है, ये बहुत गहरी, जब शब्द नहीं था, जब भाषा नहीं थी, जब भाषा से परे था ये जीव, कोई भी भाषा नहीं थी, उस समय भी नृत्य था, इशारे किए जाते थे, लोग इशारा कर करके समझाते थे, कोशिश करते थे, तो दूसरा तो समझने वाला था, वो समझ भी जाता था, बड़े नजदीक की भाषा है, इसे गेस्चर की भाषा भी बोलते हैं, नृत्य की भाषा जीव के सबसे नजदीक होती है, अद्वैत और द्वैत के जो बीच का भेद है, बिल्कुल बीच की भाषा है ये द्वैत और अद्वैत है, क्योंकि शब्द भी नहीं होता, द्वैत में शब्द होता है, दो का भाव होता है, लेकिन नृत्य में, रास में अपने आप को भी खो देता है, केवल वही का वही रह जाता है और वही दिखाई देता है, उसी की ताकत है, उसी का सब कुछ है और सब कुछ उसी के अंदर खो जाता है और वही कर देता है, उसके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। छोड़ दो, वही सच्चा बादशाह है, वही पुकार करता है प्रेम की, जब अधरों में